सबसे पहले आप सभी को राधे राधे। मैं आई हूँ वृंदावन में परिवार के साथ, तो आपको भी वृंदावन का दर्शन कराएंगे, तो आप लोग हमारी वीडियो में बने रहिए। राधा बन गई है सब लगा के, राधे राधे, अरे वाह। अब पीछे यहाँ से एंट्री हो रही है, लोग जो है एंट्री करके यहाँ अंदर जा रहे हैं, चेकिंग हो रही है, महिला पुरुष एक एक करके यहाँ से एंटर कर रहे हैं और हम भी चलते हैं। तो यहाँ पे लाइन लग चुकी है, जेंट्स लोगों की अलग और लेडीज लोगों की अलग, तो हम लोग अंदर जा रहे हैं, चेकिंग हो रही है और एंटर करेंगे हम प्रेम मंदिर के अंदर। चेकिंग के दौरान मैंने ट्राईपॉड लिया था, जो मोबाइल स्टैंड लगाते हैं वो, उसको निकलवा दिया गया है। देखिए हम आ गए हैं प्रेम मंदिर के अंदर और मैं यहाँ पे जो भी वीडियो कैप्चर कर पाई हूँ आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर श्री कृष्ण भगवान की झांकी बनी हुई है, जो रात में बहुत ही अच्छा लगता है। कृष्ण भगवान डांस करते हैं कालिया नाग के ऊपर, वो सब शाम के टाइम शुरू हो जाता है, लेकिन अभी तो हम लोग पहुँच गए हैं 4 बजे के बाद, यहाँ पे अंदर आ गए थे तो वो सब अभी हम नहीं दिखा पाए। हम लोग शाम के टाइम सोच रहे थे आने के लिए, लेकिन बहुत देर थी इसलिए हम लोग नहीं आए शाम को। और यहाँ पे हजारों की संख्या में भीड़ होती है प्रतिदिन। और देखिए सुंदर सुंदर झांकियां यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान गैया को चराते हुए दर्शाए गए हैं, और यहाँ पे सभी लोग देखकर बहुत ही मंत्रमुग्ध हो रहे थे। और दीवारों पे भी 3D पेंटिंग बनी हुई है, जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, बहुत ज्यादा आकर्षित लग रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे कृष्ण भगवान राधा के साथ डांस करते हुए दिखाया गया है, रात में ये सब घूमता है, बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए भीड़ तो इतनी बढ़ गई हम लोगों के आने के बाद कि पूछिए मत। और बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे आकर, लग रहा था मन को बहुत शांति मिल रही थी। और बहुत ही बच्चों ने भी एंजॉय किया, हम लोगों ने भी एंजॉय किया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मन को सुकून मिला। यहाँ पे खाने पीने के भी सुविधा है, कैंटीन वगैरह भी है, आप लोग जैसे भूख वगैरह लगती है कुछ खाना पीना स्नैक वगैरह, तो यहाँ पे आप लोग आकर खा पी सकते हैं। देखिए अब हम लोग झांकी दिखा रहे हैं, यहाँ पे गोवर्धन पर्वत का ये दृश्य है, वहाँ पे गोवर्धन पर्वत का इस तरह से झरना बहते हुए पहाड़ों के ऊपर से नीचे गिरता है, और कृष्ण भगवान अपने छोटी उंगली से पर्वत को उठा रखे हैं, गोवर्धन पर्वत को, और उसके नीचे सारे गोकुलवासी आ गए हैं। जो इंद्र भगवान है गुस्से से बारिश करते हैं, इसी वजह से कृष्ण भगवान को गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ता है, तो उन्होंने उठा रखा है। तो देखिए अब हम लोग जाते हैं मंदिर के अंदर दर्शन करने, वहाँ पे फोटोग्राफी और वहाँ पे वीडियोग्राफी मना है, तो इसलिए हम लोग नहीं वीडियो बनाए हैं, दर्शन करके आ गए हैं और बाहर की झांकियों को हम लोग आपको दिखा रहे हैं। तो भगवान श्री राम यहाँ पे शिव जी की पूजा करते हुए दिखाया गया है, और यहाँ पे राम सेतु जो निर्माण होता है रामेश्वरम में, उसका भी यहाँ पे चलचित्र बनाया गया है। देखिए चित्रण किया गया है, यहाँ पे शिव भगवान राम पूजा कर रहे हैं शिव जी की। और यहाँ पे नल नील जो है बंदरों की सेना में आते हैं जो, तो यहाँ पे वो पत्थर पे श्री राम लिखकर डाल रहे हैं, जो पत्थर तैर रहे हैं दिखाया गया है। यहाँ पे राजा दशरथ अपने रानियों के साथ अपने पुत्र को लिए गोदी में बैठे हुए हमन हो रहा है, वो दिखाया गया है। और यहाँ लास्ट में श्री कृष्ण भगवान राधा जी के साथ गोपियों के साथ यहाँ पे झूला झूलते हुए भी दिखाए गए हैं, जो बहुत ही अच्छा, बहुत ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ था, तो आप भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा अच्छे से यहाँ पे देखा हमने, अच्छे से हमने यहाँ पे घूमा और बहुत ही अच्छा लगा। तो हम लोग यहाँ पे घूम ही रहे हैं अभी तक, और 1.5 घंटे के बाद यहाँ पे शाम हो जाती है, फिर हम लोग इस्कॉन टेम्पल चले जाते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। सभी फैमिली मेम्बर हम लोग आए हैं यहाँ पे, और बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे हैं और हम लोग भी बहुत ही अच्छे से देख रहे हैं और अच्छा लग रहा है बहुत। काफ़ी दिनों के बाद हम लोग वृंदावन आए हैं, काफ़ी दिन का पहली बार आए हैं हम लोग, और देख कर बहुत ही मन को अच्छा लग रहा, शांति मिल रही थी, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर। तो आप लोगों को यह वीडियो देख कर कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिएगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए बच्चे भी हमारे खूब इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है उनको। तो वीडियो देखते रहिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा।
दोस्तों हमारे पीछे यहाँ पे राधा और कृष्ण की बड़ी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनी हैं और गोपियों की भी मूर्तियाँ बनी हुई हैं और राधा कृष्ण एक जो है झूले पे झूल रहे हैं। दोस्तों ये पूरा दृश्य जो है यहाँ पे वृंदावन स्थित प्रेम मंदिर का रहा और ये दृश्य पूरे जितने भी फिल्माए गए बहुत ही खूबसूरत लगे, बहुत अच्छे लगे। आप लोगों को कैसा लगा? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया। क्यों, कैसा रहा है बताओ? मज़ा आ गया। आंसू कैसा रहा है? रात में झांकी चलती, लाइटिंग चलती है, अभी एक बार आप और रहेंगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।